अब प्रभु का जब मथुरा में आगमन हुआ, भगवान सब काम कर रहे हैं, सभा में जाते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, काम काज संभालते हैं, किंतु ये सब करने के बाद भी श्री कृष्ण के चेहरे पर एक उदासी निरंतर बनी हुई है। और उस उदासी का एकमात्र कारण है ब्रज का प्रेम। इस मथुरा में कोई कमी नहीं है, दास दासियां वैभव कहो तो वस्तु हाजिर हो जाती है। यहां प्रणाम करने वाले बहुत है, पर इस मथुरा में कोई गले लगाने वाला नहीं है। एक दिन माता देवकी कृष्ण के लिए सुंदर भोजन की थाली तैयार करके लाती है, कृष्ण के सामने रख देती है। कृष्ण भोजन करने ही वाले थे, जैसे दृष्टि थाली पर गई, आंखें भर गई, नेत्र आंसुओं से भर गए, और थाली छोड़ करके श्री कृष्ण उठ करके भागे कि कोई मेरे आंखों के आंसुओं को देख ना पाए। किंतु माता देवकी ने देख लिया कि कृष्ण रो रहा है। ऐसा कौन सा कष्ट है इसको? हे उद्धव, तू तो कृष्ण का मित्र है ना, परम सखा है। सुना है व्यक्ति अपने हृदय की बात अपने मित्र को बता देता है। हे उद्धव, तू पूछ कृष्ण से क्यों परेशान है, क्या कमी है, मैं उस कमी को पूरा करूंगी, मैं कृष्ण को सुखी देखना चाहती हूं। उद्धव महल की छत पर गए और जाकर के देखा तो श्री कृष्ण की दृष्टि वृंदावन की ओर है, और उस वृंदावन की ओर देखते देखते श्री कृष्ण की आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। हा राधा मैया बाबा, वो पूरा दृश्य आंखों के सामने घूम रहा है। उद्धव ने जाके प्रणाम किया, चौंक गए श्री कृष्ण, कोई आया है। उद्धव तुम यहां कैसे? हे कृष्ण, क्या आपको अच्छा लगता है अपनी माता देवकी का दिल दुखाना? कितने प्रेम से भोजन बनाया था माता देवकी ने, आप थाली छोड़कर आ गए, क्यों? हे उद्धव, क्या बताऊं? मैं जानता हूं मेरी माता देवकी ने प्रेम से भोजन बनाया मेरे लिए, व्यंजन बनाए, मैं उनके प्रेम का सम्मान करता हूं, पर उद्धव उस थाली में एक कटोरी में माखन रखा था, और बस माखन देखते ही मुझे अपनी ब्रज की सारी स्मृति आ गई। मैं कैसे एक कटोरी माखन के लिए भागता था, मेरी माँ यशोदा लाखों नौकर चाकर होने के बाद भी प्रातःकाल उठ जाती, उसे पूरी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह कन्हैया उठते ही माखन मांगेगा। क्या बताऊं, उस माखन को देखते ही ब्रज की याद आ गई। अरे कृष्ण, आप ब्रज को भूल क्यों नहीं जाते? क्या है ऐसा ब्रज में जो आप उसी को याद करते रहते हैं? मथुरा में कोई कमी है आपके लिए? हाँ, कोई कमी नहीं है, पर उद्धव मैं तुझे कैसे समझाऊं, ये प्रेम का पाठ कैसे तुझे बताऊं कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया उद्धव, कईयों बार प्रयास किया, पर जैसे प्रयास करता हूं आंखें बंद करता हूं, आंखें बंद करते ही मुझे उस रोती हुई गैया के उस बछड़े की याद आ जाती है जो रोते रोते मुझसे पूछ रहा था कि हे कृष्ण, तुम वापस कब आओगे, क्यों जा रहे हो?
हे कृष्ण, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निष्प्राण है। कैसे श्वास लेंगे हम ब्रजवासी, कैसे जिएंगे हम ब्रजवासी। मैं कैसे भुला दूं उस प्रेम को उद्धव, एक रात एक समय का भोजन ना करूं तो मैया पूरी रात जागती थी, सारे ब्रज के वैद्यों को बुला लेती थी। मेरे कन्हैया को कुछ हो गया, मेरे लाला को कुछ हो गया, कैसे भुलाऊं। उद्धव हर श्वास के साथ ब्रज की याद आती है, किंतु ये मजबूरियां, ये कर्तव्य इन्होंने मुझे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। चाह करके भी जा नहीं सकता उद्धव, बहुत इच्छा करती है सब छोड़ दूं पर नहीं जा सकता। उद्धव तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ कृष्ण, कहिए ना, क्या सेवा बताइए। उद्धव तू ब्रज चला जा। अरे प्रभु, मैं ब्रज, आप जानते हैं ना, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ। मेरे एक एक शब्द को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। ये गांव के लोग क्या समझ पाएंगे, मेरी भाषा भी इनको समझ नहीं आएगी। कृष्ण हंसने लगे, उद्धव तू अभी जानता क्या है, बड़े बड़े से बड़ा वेदज्ञ भी, बड़े से बड़ा तपस्वी सन्यासी भी ब्रज में आके इन गोपियों की चरणों की धूल मांगता है। नारद जैसा भक्ति के आचार्य श्री नारद जी, पूरा भक्ति सूत्र में गोपियों की चर्चा। उद्धव चला जा और प्रयास करना, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना, थोड़े भोले हैं मेरे ब्रजवासी। हाँ कनी, आप चिंता मत करो। जा रहे थे उद्धव, अपने पास की पीताम्बरी दे दी, ये ले जाओ, पूछेंगे क्या पहचान है तुम्हारी कि तुम कृष्ण के मित्र हो, और तुम ये दिखा दोगे। मेरी मुकुट, मेरा मोर पंख ले जाओ, मेरी बांसुरी ले जाओ, और अंत में अपने गले की माला पुष्पों की उतार के भी इसको ले जाना, और इसको जाकर के राधा को सुंघा देना, क्योंकि वो बावरी है, वो यमुना के किसी घाट पर मूर्छित पड़ी होगी, उसको होश में लाना आसान नहीं है। जब मेरी सुगंध ही उसके नासिकाग्र से जाएगी, तब वो समझेगी कि कृष्ण आ गया। इस माला को राधा को दे देना। श्री उद्धव जी चल पड़े कृष्ण के रथ को लेकर के ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर। प्रवेश कर रहे हैं ब्रज में, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मैंने सुना था कि ब्रज में बड़ा उत्साह है, लोग नाचते हैं गाते हैं, यहाँ तो सब कुछ वीरान है। और वीरान हो भी क्यों ना, हम सबका प्राण जो चला गया। बड़ा प्यारा प्रसंग है, अगर इसमें प्रवेश कर गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यशोदा मैया से मिले हैं उद्धव। वो बस बैठी बैठी तकिए को लोरी गा के सुलाती रहती है, लाला सो जा, अरे तू कल भी नहीं सोया, सो जा। नंद बाबा, आप इनका क्या काम धंधा है? उद्धव ने पूछा, बाबा आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? बाबा ने कहा, स्मरताम कृष्ण वरियानी। हे उद्धव, मैं कृष्ण को याद करता हूं, बस यही मेरा काम है। और मैं ही नहीं, पूरे ब्रज का एक ही काम है, कोई काम धंधा नहीं है हमारे पास, बस बैठ करके कृष्ण की चर्चा, कृष्ण कथा का गान, बस यही करते हैं। गोपियों के पास उद्धव गए, यमुना के घाट पर देखा तो बावरियों का झुंड लगा है,
प्रेमी और पागल में कोई फर्क नहीं होता, प्रेमी भी पागल ही होता है, पर वो प्रेम में पागल होता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी बेहोश हो जाता है। प्रेम की दशा अलग है। तो गोपियों से मिले हैं श्री उद्धव जी, देखा कि पागलों की भांति एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक गोपी चौक लेकर के लिख रही है, एक जमा एक बराबर एक, एक जमा एक बराबर एक। अब उद्धव तो बुद्धि वाला है, तो उद्धव ने रोका, अरे गोपी तू जानती है ये गणित क्या होता, गणित में एक जमा एक बराबर दो होता है, एक नहीं होता। तो गोपी हंस के कहती, उद्धव तेरे गणित में एक जमा एक बराबर दो होता होगा, हमारे गणित में तो एक जमा एक बराबर एक ही होता है। क्यों? जब यहाँ प्रेमी और प्रियतम मिल जाता है तब दो नहीं बचते, एक ही बचता है। जब मैं था तो प्रभु नहीं, और जब प्रभु तो मैं ना ही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। दो नहीं रह सकते, केवल एक, या तो मैं या मेरा प्रियतम। अद्भुत भ्रमर गीत गाती है श्री राधा रानी। एक भवरे काला रंग देखा तो बस कृष्ण की याद आ गई। अरे भवरा तू जरूर उसी का यार है, उसी ने तुझे भेजा, तभी तू मेरे चरणों में बैठा है, माफी मांग रहा, जा नहीं माफ करेंगी तुम। पूरा ब्रज विरह के सागर में डूबा हुआ है, और एक ही प्रश्न, कब आएंगे? परसों की कह के बरसों बीत गए, किंतु कृष्ण नहीं आए। उद्धव की बुद्धि बोरे आ गई, उधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञानी उद्धव प्रेमी उद्धव बन गए ब्रज में आकर के। और जब कई महीनों, 6 महीने तक उद्धव ब्रज में रुके, 6 महीने बाद जब कृष्ण के पास आए, तो जो उद्धव जाते समय कह रहे थे कि तुम भूल क्यों नहीं जाते, वो उद्धव कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने दुनिया में निष्ठुर बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। अरे क्या मिल रहा है तुमको इस मथुरा में पड़े हो? अरे जाओ ना, वो खाते तुम्हारे लिए हैं, वो सोते तुम्हारे लिए हैं। मैया जिंदा इसलिए कि किसी दिन कन्हैया आ गया और माखन मांगा तो। तब कृष्ण ने कहा, हे उद्धव ये जो तूने देखा ये सब मेरी बाह्य लीला है, अब तू जो आंतरिक लीला है वो देख। आंख बंद किया तो देखा, जहां मैया सुला रही थी तकिए को, वहां तकिया नहीं था, वहां सचमुच कृष्ण सोया था। यमुना के घाट पर जो गोपियां बैठी बैठी लिख रही थी, नाच रही थी, वहां सचमुच कृष्ण खड़े थे। कहा, उद्धव मैं दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन मैं अपने ब्रज को नहीं छोड़ सकता। पाषाण पर खड़े होकर के कृष्ण ने नंद बाबा की सौगंध खाई है कि मैं ब्रजवासियों को नहीं भूलूंगा, कैसे भूल सकते हैं। और वो द्वापर नहीं, कली काल में भी, ब्रज में आज भी कृष्ण विराजमान है, छोड़ ही नहीं सकते। नित्य लीला आज भी होती है, जो महापुरुष वहां विराजते हैं संत, वो चिंतन में उन सब लीलाओं का दर्शन करते हैं।